कामयाबी एक लम्हा नहीं है, बल्कि मेहनत और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। बेतकल्लुफ के साथ काम करो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगी। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर यकीन रखोगे तो दुनिया भी तुम पर यकीन करेगी। हर काम मुशक्कत का सफर होता है, अगर तुम मुशक्कत के सफर बर्दाश्त करते रहोगे तो मकसद तक पहुंच जाओगे। तब्दीली का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन ये मुमकिन होता है। आसमान को छूने के लिए आपको जमीन से ऊंचा होना पड़ता है। कामयाबी की सच्चाई तुम्हारे अमल में है, ना कि अल्फाज में। ख्वाबों को तबीर दो, वो तुम्हारे मुस्तकबिल की राह है। हमेशा दूसरों से एहतराम से पेश आओ, ये तुम्हारे इखलाक का अजहार होगा। जिंदगी के मसाइल से बचने के लिए सब्र और इस्तकामत जरूरी है। तलीम के बगैर मुकम्मल अंधेरा है, और तलीम के साथ रोशनी है। दुनिया में दो ताकतें हैं, एक तलवार और दूसरी कलम। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला है। दोनों से ज्यादा ताकतवर तीसरी ताकत है, वो है औरत। नाकामी मेरे लिए नामालूम लफ्ज़ है। मजबूत आदमी वो है जो हवस और दिमाग के दरमियान नाप को अपनी मर्जी से रोक सकता है। फैसला लेने से पहले 100 बार सोचिए, लेकिन एक बार जब फैसला कर लें तो इस पर कायम रहें। अगर आप गौर नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तफक्कुर इंसान की तरक्की का रास्ता है। जिंदगी के मसाइल का हल जहन की सफाई में छुपा होता है। आपका अपने आप पर यकीन दरवाजे खोल देगा जहाँ सिर्फ दीवारें थी। अजीम काम करने का वहाँ तरीका ये है कि आप जो कुछ करते हैं उससे मोहब्बत करें। आपका मस्बत अमल मस्बत सोच के साथ मिलकर कामयाबी का बायस बनता है। चैलेंजेस वो हैं जो जिंदगी को दिलचस्प बनाते हैं, और इन पर काबू पाना ही जिंदगी को बेमानी बनाता है। कामयाबी ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि कामयाबी ये है कि आप लोगों की जिंदगियों में क्या करते हैं। रकावटें वो खौफनाक चीजें हैं जब आप अपनी नजरें अपने मकसद से हटाते हुए देखते हैं। अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो आप कामयाब होंगे। कामयाबी एक सफर है, मंजिल नहीं। तो ये हौसला रखें, आगे बढ़ते रहें और अपने आप पर यकीन करना कभी ना छोड़ें। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही आप कमाएंगे। यकीन करें कि आप कर सकते हैं, और आप आधा तो कर चुके हैं। दुश्मन से बचो, क्योंकि वो तुम्हारे हकों को तोड़ देगा। दुश्मन को पहचानिए, इससे बढ़कर इंसाफ की कोई अता नहीं। दुश्मन की शनाख्त करने के लिए अपने अंदर की तवानाई को जगाएं। दुश्मन को पहचानने के लिए अपने दिल को साफ रखें, उस पर अंदाजा भी काफी होता है। इंसानी दिमाग झूठ से कमजोर होता है। जो आपके लिए झूठ बोलेगा वो आपके खिलाफ भी बोल सकता है। मुतहम्मिल बर्दाश्त इंसान की तमाम खूबियों पर भारी है। जब मुसलसल कोशिश की जाए तब रास्ता जरूर मिलता है। इलम हमारे दिमाग के लिए इसी तरह जरूरी है जिस तरह रोशनी आंखों के लिए है। जिंदगी के दो रुख हैं, एक रोशनी और दूसरा अंधेरा। हमें कोई हक नहीं कि हम दूसरों को बताएं कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब कोई शख्स खुद को बहुत काबिल समझकर फैसला करता है तो वो अक्सर गलती जरूर करता है। मेहनत से हर चीज के दरमियान फर्क किया जा सकता है। चश्मे में बहने वाला पानी हर एक का हक होता है, लेकिन गला सिर्फ उसी का होता है जो उसे निकालता है। तमाम इंसान बराबर हैं, हर किसी को आज़ादी का हक हासिल है। हर शख्स अपनी मर्जी का मालिक है। किसी को भी हक हासिल नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी, सेहत, आज़ादी और माल दौलत को नुकसान पहुंचाए। एक शख्स बनकर ना जियो, बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि एक शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। इलम तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इलम को अपने मुल्क में बढ़ाएं। कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। उम्मीद अच्छी रखो, लेकिन तैयारी बुरे हालात के हिसाब से करो। हमारी निजात का रास्ता सिर्फ और सिर्फ उसका हुस्ना है। मैं आपको मसरूफ़ अमल होने की ताकीद करता हूँ। काम काम और बस काम।
सुकून की खातिर सब्र बर्दाश्त और इंतजारी के साथ अपनी कौम की खिदमत करते जाएं। हकीकत ये है कि ये वज़ीरा आपके खादिम हैं, जबकि असल मालिक आप हैं। अगर ये अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ना करें तो आप इन्हें वजारत की गद्दियों से उतार सकते हैं। आखिर ये कहने का क्या फ़ायदा है कि हम सिंधी या पठान या पंजाबी हैं? नहीं, हम सब मुसलमान हैं। इस्लाम ने हमें यही सिखाया है। मुसलमान झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ। अगर इसे झुकाने की कोशिश की गई तो बाबर बन जाएगा। ये टीपू सुल्तान की सूरत में नमूदार होगा। ये मर जाएगा लेकिन महकूमी कबूल नहीं करेगा। हम जितनी ज़्यादा तकलीफें सहना और कुर्बानियाँ देना सीखेंगे, इतनी ही ज़्यादा पाकीज़ा, खालिस और मजबूत कौम की हैसियत से उभरेंगे। जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बन जाता है। ना खुद असूल के खिलाफ काम करो और ना किसी को असूल के खिलाफ काम करते देखकर खामोश रहो। अगर आप अपने दुश्मन से आगे निकलना चाहते हो तो ये तीन असूल अपना लो: यकीन, नज़्म व ज़ब्त और बेलौस लगन।